यह है एक गीजर और इसका काम है एक पाइप से आने वाले ठंडे पानी को गर्म करके दूसरे पाइप से रिलीज कर देना। यह ऐसा कैसे करता है अब देखते हैं। जब हम इसे खोलेंगे तो हमें इसके अंदर येलो कलर के कॉटन जैसा कुछ दिखेगा। यह असल में ग्लास वुल है। इस ग्लास वुल में ग्लास के पतले पतले फाइबर्स आपस में रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं और ये इंसुलेशन का काम करता है, जिससे स्विच ऑफ करने के बाद भी पानी घंटों तक गर्म रहता है। और इसे जब हम हटाएंगे तो हमें दिखाई देगा इस गीजर का टैंक। ये टैंक स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसका शेप ऐसा है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को ये झेल सके। गीजर का सारा पानी इसी में स्टोर रहता है और इसी में गर्म होता है। टैंक से कोई भी पानी लीक ना हो, इसलिए इसके ढक्कन में एक वॉशर लगा के नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर देते हैं। यही है वो वॉशर और ये रबड़ का बना होता है। इस टैंक को ओपन करने के बाद हमें इसके सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है ये इनलेट पाइप जिससे पानी अंदर आता है और दूसरा पाइप जिससे पानी बाहर निकलता है। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जिस पाइप से पानी अंदर आ रहा है वो हल्का सा मुड़ा हुआ है और पानी बाहर निकालने वाला पाइप बिल्कुल सीधा है और लंबा भी है। ऐसा क्यों है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। कुछ टाइम के लिए वायर्स को और बोर्ड को हटा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इन दो पाइप्स के बाद जो अगला कंपोनेंट हमें दिखाई देता है वो है ये थर्मोस्टैट। इस थर्मोस्टैट का काम है पानी गर्म होने के बाद गीजर को अपने आप ऑफ कर देना, और ये कुछ इस तरह गीजर में नीचे की तरफ से फिट रहता है ताकि अगर ये खराब भी हो जाए तो इसे आप आराम से निकाल के नया लगा सकते हैं। इसके बाद आता है गीजर का मेन कंपोनेंट जो पानी गर्म करता है। ये कॉयल निक्रोम का बना होता है जो कि क्रोमियम और निकल का एलॉय है। इसे यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और हीट भी बहुत अच्छी रिलीज करता है। अब इस गीजर को काम करते हुए देखते हैं। सबसे पहले इस इनलेट पाइप के थ्रू ठंडा पानी अंदर आता है और टैंक को भर देता है। फिर हम स्विच ऑन करते हैं जिससे यह हीटिंग एलिमेंट गर्म होने लगता है। इसके गर्म होने से इसके आसपास का पानी भी गर्म होता है और गर्म पानी की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा ऊपर जाना चाहता है, तो ये गर्म पानी ऊपर जाके बैठ जाता है जहां से ये आउटलेट पाइप के थ्रू बाहर आ जाता है। इनलेट पाइप से ठंडा पानी आता है और अगर हमने उसे सीधा लगाया होता तो वो ऊपर वाले गर्म पानी से मिक्स हो जाता। और आउटलेट पाइप के ऊपर तक होने के दो रीजंस हैं। एक ये कि ऊपर की तरफ गर्म पानी होता है और इसलिए भी ताकि हीटिंग एलिमेंट हमेशा पानी में डूबा रहे। अगर हम इसे बहुत नीचे लगाते तो नल चलाने पे सारा पानी बाहर निकल जाता और हीटिंग एलिमेंट ओवरहीट होके खराब हो जाता। अब देखते हैं इसका थर्मोस्टैट कैसे काम करता है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें इसके अंदर कुछ पार्ट्स कुछ इस तरह लगे हुए दिखेंगे और नीचे की तरफ लगा हुआ दिखेगा एक ब्रास का लंबा पाइप जो कि नीचे से बंद रहता है। इस ब्रास के पाइप के अंदर एक बायोमेटालिक वायर होती है। बायोमेटालिक का मतलब है इसमें दो अलग तरह के मेटल्स आपस में चिपके रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और आयरन। यहाँ पे जब हम हीट डालेंगे तो कॉपर ज़्यादा एक्सपैंड होता है और आयरन कम एक्सपैंड होता है, और क्योंकि ये साथ में लगे हुए हैं इसलिए दोनों बेंड हो जाते हैं। थर्मोस्टैट का वर्किंग सिंपल है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है ये बायोमेटालिक वायर बेंड होने लगता है, उससे वायर का ऊपर का हिस्सा नीचे जाने लगता है, जिसकी वजह से थर्मोस्टेट की दूसरी साइड में लगा हुआ एक स्विच दब जाता है जिससे कनेक्शन टूट जाता है और गीजर ऑफ हो जाता है। फिर जब पानी ठंडा हो जाता है तो ये बायोमेटल का वायर वापस अपनी शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से स्विच दोबारा कनेक्ट हो जाता है और पानी दोबारा गर्म होने लगता है।
इस नॉब को घुमा के हम ये सेट कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे ऑटो कट हो जाना चाहिए। कभी कभी थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से ऑटो कट करने के बाद दोबारा ऑन नहीं करता है, इसलिए हम यूज करते हैं इस रीसेट बटन का, जिसे दबाने से स्विच दोबारा कनेक्ट हो जाता है। इसलिए ये रीसेट बटन थर्मोस्टेट के कॉर्नर में होता है। कभी कभी थर्मोस्टेट ऑटो कट ही नहीं करता है, जिससे अंदर का पानी गर्म होता रहता है, फिर बॉयल हो जाता है, जिससे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतने प्रेशर से टैंक ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए इनलेट पाइप के नीचे एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। इस सेफ्टी वॉल्व में एक बॉल बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग से अटका रहता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो पानी इस बॉल को पीछे धक्का देता है और नीचे इस छेद से बाहर निकल जाता है। यहाँ से नहीं निकलता क्योंकि यहाँ पाइप लगा होता है, और बस ऐसे ही काम करता है गीजर। इसका वायरिंग कुछ इस तरह है।